अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि हमने ऑनलाइन यूट्यूब पे म्यूज़िक अपलोड करके किस तरह पैसे कमा सकते हैं, किस तरह हम मनी अर्न कर सकते हैं। तो यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल्स पड़े हैं जो सिर्फ म्यूज़िक को ही अपलोड करके उनकी मोनेटाइजेशन करते हैं अपने चैनल्स की और उनसे मनी कमाते हैं। तो यूट्यूब भी कहता है कि आप म्यूज़िक की मोनेटाइजेशन कर सकते हैं, तो इसी तरह हम देखते हैं कि हमने किस तरह मोनेटाइजेशन कर दिया है। तो हम आ चुके हैं यूट्यूब पर, तो यूट्यूब पर हम सबसे पहले सर्च करेंगे नो कॉपीराइट साउंड्स। नो कॉपीराइट साउंड में है कि हमें म्यूज़िक मिलेगी यहाँ पर, ये जो म्यूज़िक मिलेगी हमें ये हम अपनी वीडियो में यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले ये चैनल ओपन हुआ है एक नो कॉपीराइट साउंड्स का। तो देखें इसमें 225.7 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं और इसमें 753 वीडियोज़ हैं। तो देखिए ये कितना डॉलर्स कमा रहा होगा मंथली एडिशन से, कितना पैसे ये कमा रहा होगा। तो हम भी इसी को यूज़ करते हुए, इन्हीं की ऑडियो साउंड को यूज़ करते हुए हम अपनी वीडियो बनाएंगे, अपना चैनल बनाएंगे और उस पर वीडियोस अपलोड करेंगे। तो हमारे पास एक वीडियो खुल चुकी है, तो इसके देखिए 1.9 मिलियन व्यूज़ हैं और ये 28 मार्च को ही अपलोड हुई है। और इसके चैनल्स के व्यूज़ देखें 7.70 बिलियंस हैं। तो आपकी सोच से ज़्यादा ये पैसे कमा रहा होगा। तो हम इसी की ऑडियो को यूज़ कर सकते हैं अपनी वीडियो में, इसी के ऑडियो को हम यूज़ करेंगे। हम देखते हैं कि हमें किस तरह इसकी ऑडियो को यूज़ करना है अपनी वीडियो में। और ऊपर डाउनलोड लिंक भी दिया गया है इसका डिस्क्रिप्शन में, फ्री डाउनलोड। और अगर हमने अपनी वीडियो में इस्तेमाल करना तो हमने क्या करना है कि हमने ये 4 लाइन वाला जो दिया हुआ है इसमें है, व्हेन यू आर यूजिंग दिस ट्रैक प्लीज़ ऐड दिस इन योर डिस्क्रिप्शन ट्रैक कार्टून। ये तो ये 4 लाइन वाला जो है ना कोड है, यानी कि उसकी डिस्क्रिप्शन है, तो हमें अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डालनी होगी। तो इससे हमें कॉपीराइट नहीं आएगा, तो हम बगैर कॉपीराइट के इसको अपने वीडियो फाइल में यूज़ कर सकते हैं, अपने यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में यूज़ कर सकते हैं। तो देखते हैं हम कि इसको हमने किस तरह यूज़ करना है और किस तरह एक इस ऑडियो का जो हमने है एक वीडियो बनाना है। इसकी वीडियो हमने नहीं डाउनलोड करनी, सिर्फ इसकी ऑडियो ही डाउनलोड करनी है। तो हमारा ऑडियो डाउनलोडिंग का पेज खुल चुका है इस पर, तो हम यहाँ से इसका ऑडियो ट्रैक डाउनलोड करते हैं। तो देखें इसका इंटरफेस खुल चुका है, तो इसमें हम डाउनलोड करते हैं। फ्री डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड होने लगेगा, क्योंकि मेरे पास पहले ही डाउनलोड है तो मैं डाउनलोड नहीं कर रहा। तो इसके बाद हमने करना ये है कि हमने पिक्चर्स डालनी है, पिक्चर्स से हमें एक वीडियो बनानी है। तो हमें नो कॉपीराइट पिक्चर्स कहाँ से मिलेंगे, हमारे पास एक वेबसाइट है अनसप्रेश, जहाँ से आप नो कॉपीराइट फुटेज वगैरह यानी कि फ़ोटोज़ डाउनलोड कर सकते हैं, पिक्स, और अपने वीडियो में यूज़ कर सकते हैं। तो इस पर कोई कॉपीराइट नहीं आएगा। तो हमारे पास ये सारी पिक्स आए हुए हैं, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी पिक्स हैं पड़ी। तो चलिए चलते हैं अपने वीडियो एडिटर की तरफ। तुम्हारा हमारा वीडियो एडिटर खुल चुका है, मैं यूज़ करता हूँ सोनी विगास। इसमें हमारी वीडियो भी मैंने डाली हुई है, पहले ऑडियो भी, और एक ग्रीन बैकग्राउंड वाली वीडियो है जो मैंने डाली हुई है और एक पिक्चर है। तो सबसे पहले हम ग्रीन बैकग्राउंड वाली वीडियो को अपने एडिटिंग ट्रैक में डालते हैं। तो चलिए इसको एडिटिंग ट्रैक में डालते हैं हम अपनी ग्रीन बैकग्राउंड वीडियो को। तो मैंने ये ग्रीन बैकग्राउंड वीडियो डाल दी। तो ग्रीन बैकग्राउंड वीडियो में जो जो हमारी वीडियो है इसके साथ ऑडियो ट्रैक भी शामिल है। तो हम इसको अलग किस तरह करेंगे, हम यू प्रेस करेंगे या अनग्रुप हो जाएगा और डिलीट कर देंगे, यहाँ से ये डिलीट हो जाएगा। फिर ये सोनी विगास की सेटिंग है, आपकी मर्ज़ी जो एडिटर यूज़ करें। तो हम ऑडियो डाल रहे हैं इसमें और उसके बाद पिक्चर डालते हैं इसमें, और पिक्चर को हम ऑडियो सॉन्ग के ड्यूरेशन के मुताबिक बड़ा करते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको क्लिक करके ड्रैग करके ऑडियो के ट्रैक के मुताबिक बड़ा करता हूँ इसको। तो ये हमारा ऑडियो ड्यूरेशन के मुताबिक हो चुका है जो हमारा ऑडियो सॉन्ग है। और ग्रीन बैकग्राउंड क्लिक करते हैं और राइट क्लिक करते हैं, स्प्लिट एंड कर देते हैं यहाँ से। और इस तरह से ये हमारी एक सिंपल वीडियो जो बन चुकी है, इसमें ग्रीन बैकग्राउंड साथ में है। तो हमारा ऑडियो सॉन्ग चल रहा है। तो अब हम देखते हैं कि इसका ग्रीन बैकग्राउंड किस तरह हटाना है हमने। सबसे पहले हम वीडियो एफएक्स में जाते हैं,
हम वीडियो इफेक्ट्स में जाने के बाद यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास एक क्रोमा कीयर होता है। क्रोमा कीयर पर क्लिक करेंगे तो हम पर यहाँ पे है ग्रीन स्क्रीन। ग्रीन स्क्रीन को जब हम ड्रैग करके ले आएंगे अपनी ग्रीन बैकग्राउंड वाली वीडियो पर, तो देखिएगा ये किस तरह का इफेक्ट लाती है हमारी वीडियो पर। तो हम ड्रैग करके लाते हैं ग्रीन स्क्रीन को, तो ग्रीन स्क्रीन पर हमारा वो इफेक्ट आ चुका है। और देखें किस तरह का इफेक्ट है कि हमारे ग्रीन स्क्रीन जो है वो ख़त्म हो गया और पीछे पिक्चर हो गया। और क्योंकि हमारा जो है ना पिंक कलर डार्क है ग्रीन का, तो हम डार्क पर क्लिक करेंगे तो ये पिक्चर और क्लियर हो जाएगी। तो देखें पिक्चर और क्लियर हो चुकी है मज़ीद। तो हम इसको क्लोज़ करते हैं और अब सॉन्ग को चलाते हैं। हम देखें ये किस तरह से चल रहा है सॉन्ग हमारा क्लियर वीडियो के साथ, और ग्रीन बैकग्राउंड हमारा रिमूव हो गया है। तो अब हम हमारी वीडियो रेडी है। अब हम इसको एक्सपोर्ट करते हैं। यहाँ पर तो रेंडर का ऑप्शन होता है, तो हम ऊपर लेफ्ट कॉर्नर में देखते हैं, ऊपर फोर्थ में है रेंडर का ऑप्शन। तो मैं 720 पिक्सल में ही रेंडर करता हूँ क्योंकि यहाँ पर क्लियर क्वालिटी आती है। और यहाँ पर नीचे हम इसका नाम दे देते हैं डोमेस्टिक, और रेंडर पर क्लिक कर देते हैं और ये वीडियो रेंडर होने लगेगी। क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी वीडियो रेंडर्ड है पहले की, तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। कैंसिल करने के बाद ये पूछेगा कि यस या नो, यस कर देते हैं कि हमने कैंसिल कर दिया। अब चलते हैं क्रोम की तरफ, तो देखते हैं यहाँ पर हम, अगर आप NCS से नहीं करना चाहते ऑडियो सॉन्ग्स, तो किसी और से ट्रैक से करना चाहते हैं, आपको सिंपली YouTube की ऑडियो लाइब्रेरी है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं सॉन्ग्स। तो हम YouTube की ऑडियो लाइब्रेरी ओपन करते हैं, तो हमारे पास YouTube की ऑडियो लाइब्रेरी ओपन हो रही है। तो ऑडियो लाइब्रेरी यहाँ पर हमारे पास ओपन हो चुकी है और ट्रैक लोड हो रहे हैं और सॉन्ग्स लोड हो चुके हैं। यहाँ पर हम कोई भी अगर इस्तेमाल करना चाहें तो डाउनलोड करके अपने वीडियो में इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी वीडियो को और मोनेटाइज कर सकते हैं अपने चैनल को इसी तरह। और इसमें साउंड इफेक्ट्स भी हैं, तो साउंड इफेक्ट में हम अगर हमारे पास यानी कि कोई फनी क्लिप्स वगैरह बनाते हैं, या जैसे कोई लाफिंग वगैरह इंस्ट्रूमेंटल कोई भी इफेक्ट डालना चाहता है मेरी वीडियो में डाल सकते हैं। तो ये हमारा हो गया कि किस तरह हम फ्री अर्न कर सकते हैं म्यूज़िक से। तो मैंने भी अपना एक वीडियो चैनल बनाया हुआ है म्यूज़िक का, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर देख लीजिएगा वो चैनल भी मेरा, और आप भी अपना चैनल बनाएं। और मैं ग्रीन बैकग्राउंड वाली वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, और यूट्यूब पे भी आप जाकर सर्च कर सकते हैं ग्रीन बैकग्राउंड वीडियोस, तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेरे आपसे गुजारिश है कि अगर मेरा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकॉन को प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।